सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 314 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर आज भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसमें उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी यानी कि कप्तान एरन फिंच और उस्मान ख्वाजा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिखाई और मैदान में आते ही भारतीय टीम के गेंदबाजों की लाइन में लगाकर पिटाई करनी शुरू कर दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम को पूरे के पूरे 32 ओवर लग गए और तब जाके वह सलामी जोड़ी को तोड़ पाए, लेकिन तब तक बेहद ही देर हो चुकी थी क्योंकि यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी पारियों में 90 रनों से ज्यादा का स्कोर लगा चुके थे और उस्मान ख्वाजा ने तो आज शतकीय पारी भी खेल दी। लेकिन फिर किसी तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ियों को जल्दी पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 314 रनों के स्कोर पर ही रोक दिया। और इसी के जवाब में जब 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरी तो उसकी शुरुआत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही, क्योंकि आपको बता दें कि काफी लंबे अरसे से भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन जो कि फ्लॉप चल रहे हैं, वह इस मुकाबले में भी कुछ खास नहीं कर पाए और भारतीय टीम के लिए अपनी पारी में केवल एक रन ही लगा पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह मैदान में तो भावुक हुए ही, साथ ही उनकी यह गलती भारतीय टीम की हार का कारण भी बन सकती है। दोस्तों पूरा वाक्य है भारतीय टीम की बल्लेबाजी की पारी के 5वें ओवर का, जब गेंदबाजी करवा रहे थे तेज गेंदबाज पैट क्यूमिंस और स्ट्राइक पर खड़े थे अब रोहित शर्मा, जिन्हें आउट करने के लिए पैट क्यूमिंस ने इस ओवर की तीसरी गेंद को बड़ी चालाकी से एक फुल लेंथ डिलीवरी में तब्दील कर दिया। दोस्तों यह गेंद काफी ज्यादा धीमी गति की थी जो कि जाकर लगी सीधा रोहित शर्मा के पैट पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों की भारी अपील के बावजूद मैदानी अंपायर ने रोहित शर्मा को नॉट आउट ही करार दिया। परंतु ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी और खास तौर पर गेंदबाज पैट क्यूमिंस इस बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने इस बात का डीआरएस रिव्यू मांग लिया, जिसके बाद रिव्यू में यह पाया गया कि रोहित शर्मा क्लियर LBW आउट हो चुके हैं और उनकी पारी केवल 14 रनों पर ही समाप्त हो गई है। इसके बाद मैदानी अंपायर ने अपना डिसीजन बदला और रोहित शर्मा को आउट करार देके पवेलियन की तरफ जाने का इशारा कर दिया। दोस्तों थर्ड अंपायर के इस फैसले से रोहित शर्मा काफी ज्यादा खफा थे, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि उनकी यही गलती भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण भी बन सकती है। साथ ही एक बार फिर से मैदान में फ्लॉप होने के बाद रोहित शर्मा काफी ज्यादा भावुक भी दिखे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम अगर हारी तो इसमें रोहित शर्मा की सबसे बड़ी गलती होगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, परंतु तीसरे वनडे मुकाबले में गेंदबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। आपको बता दें कि पहले ओवर में तो भारतीय क्रिकेट टीम को शुरुआत में कोई सफलता नहीं मिली और फिर पारी के दूसरे ही ओवर में कप्तान विराट कोहली ने मैदान में कुछ ऐसा कर दिया कि भारतीय टीम को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि यह पूरा वाक्य है पारी के दूसरे ओवर का, जिसे डाल रहे थे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और उस समय स्ट्राइक पर खड़े थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान एरन फिंच, जो कि अपनी पारी की शुरुआत से ही बड़े शॉट्स लगा रहे थे। और इस ओवर की 5वीं गेंद पर एरन फिंच का विकेट लेने के लिए जसप्रीत बुमराह ने अपनी मन पसंदीदा स्विंग डिलीवरी एरन फिंच को डाल दी, और इससे पहले कि इस गेंद पर शॉट खेलने के लिए फिंच अपना बल्ला घुमाते गेंद एरन फिंच के पैड पर लग चुकी थी, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अंपायर से एरन फिंच को आउट देने की भारी अपील कर दी। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह की इस अपील के बाद सबका ध्यान जा चुका था महेंद्र सिंह धोनी की तरफ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धोनी के द्वारा लिया गया डिसीजन कभी गलत नहीं होता। लेकिन जसप्रीत बुमराह की इस अपील पर धोनी के हाव भाव बिल्कुल शांत थे, जिससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम को रिव्यू नहीं लेना चाहिए था। लेकिन कप्तान विराट कोहली ने ज्यादा उत्साहित होकर इस बात का रिव्यू लेना चाहा और धोनी के डिसीजन के खिलाफ चले गए, जिसके बाद जब थर्ड अंपायर के रिव्यू में चेक करा गया तो यही पाया गया कि गेंद फिंच के पैड पर तो लगी है, परंतु वह विकेट के काफी ज्यादा ऊपर से जा रही है। और फिर थर्ड अंपायर ने भी एरन फिंच को नॉट आउट करार दिया और विराट कोहली की इस गलती की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम को एक रिव्यू गवाना पड़ गया। साथ ही दोस्तों विराट कोहली के इस गलत फैसले व रिव्यू गवाने के बाद रोहित शर्मा व महेंद्र सिंह धोनी भी विराट कोहली के इस फैसले पर काफी ज्यादा हैरान होते हुए दिखे। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को DRS रिव्यू लेने के मामले में बादशाह माना जाता है। धोनी जब भी कप्तान विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा को इस बात की एडवाइस देते हैं कि उन्हें DRS रिव्यू लेना चाहिए तो वह 100% सही होता है। लेकिन आज विराट कोहली ने धोनी के खिलाफ जाकर DRS रिव्यू लेना चाहा और जिसकी वजह से भारतीय टीम को यह नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दोस्तों आपके नजरिए में क्या विराट कोहली ने धोनी के खिलाफ जाकर DRS लेने का फैसला सही था या फिर गलत, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी की पारी के दौरान मैदान में एक ऐसा वाक्य हो गया जब महेंद्र सिंह धोनी की महानता एक बार फिर से सबको देखने को मिली। आपको बता दें कि यह पूरा
पूरा वाकया मोहम्मद शमी के ओवर का। जब शुरुआती ओवर्स चल रहे थे और कप्तान विराट कोहली ने पारी का पांचवा ओवर डालने के लिए मोहम्मद शमी के हाथों में गेंद को थमा दिया था, और क्योंकि शुरुआती ओवर में भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों को किसी भी तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाजों की सलामी जोड़ी को तोड़ना था, तो मोहम्मद शमी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन दिया और इस ओवर की पहली चार गेंदों को मैडन निकाल दिया था। लेकिन फिर इस ओवर की पांचवी गेंद पर तो जैसे बल्लेबाज एरन फिंच एक करारा शॉट खेलने के लिए तैयार थे, जिसके बाद एरन फिंच ने इस ओवर की पांचवी गेंद पर एक जोरदार शॉट खेल दिया, लेकिन गेंद जाकर लगी सीधा मोहम्मद शमी के पैर पर। दोस्तों यह शॉट इतना तेज था कि गेंद बेहद ही तेज तर्रार गति से मोहम्मद शमी के पैर पर लगी थी, जिसके बाद आलम यह रहा कि मोहम्मद शमी दर्द से कर्राते हुए मैदान पर ही लेट गए। और जैसे ही मोहम्मद शमी दर्द से कर्राते हुए मैदान पर लेट गए थे, तो महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे से दौड़ते हुए उनके पास गए और उनके पैर पे हाथ लगाकर उनसे उनका हालचाल पूछना चाहा। दोस्तों इस पूरे वाक्य के दौरान महेंद्र सिंह धोनी मोहम्मद शमी का पैर भी दबाते हुए दिखे, जिसके बाद मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी तो करवाई, लेकिन फिर कुछ देर के बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं जब भारतीय क्रिकेट टीम के किसी खिलाड़ी को मैदान पर चोट लगी हो और महेंद्र सिंह धोनी ने खुद जाकर उनका इलाज करना चाहा हो, लेकिन तीसरे वनडे मुकाबले में मोहम्मद शमी के लिए महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दिखाई गई इस महानता पर आपकी क्या राय है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे इस तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की टॉस जीतकर गेंदबाजी में शुरुआत भले ही खराब रही हो, साथ ही भले ही भारतीय टीम के गेंदबाजों को 32वें ओवर तक कोई सफलता ना मिली हो, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन करके दिखाया और मैदान में जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस मैच में अपनी वापसी भी करी, जिसके बाद ही भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ियों को तीसरे वनडे मुकाबले की पहली पारी में एक भीम का स्कोर बनाने से रोक पाई। तो चलिए अब आपको फटाफट से बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों ने आज सभी विकेट लिए। सबसे पहला विकेट भारतीय टीम को मिला पारी के 32वें ओवर में, जब कुलदीप यादव की एक गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान एरन फिंच चकमा खा गए और वह LBW आउट हो गए थे। इस बात का रिव्यू फिंच ने जरूर लिया था, परंतु वह 93 रनों पर अपनी पारी को खो चुके थे, जिसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों को अपने दूसरे शिकार के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। परंतु फिर पारी के 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के धाकड़ बल्लेबाज ख्वाजा को जसप्रीत बुमराह से एक बेहद ही आसान कैच दिलवाकर आउट करवा दिया। आपको बता दें कि उस्मान ख्वाजा ने आज ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से 104 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, लेकिन फिर इसके बाद अपने अगले विकेट के लिए भारतीय टीम को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और फिर पारी के 42वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने बेहद ही नाटकीय तरीके से भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया की टीम का सबसे बड़ा विकेट यानी कि ग्लेन मैक्सवेल का विकेट दिलवा दिया। आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल भी शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे और वह अपनी इस छोटी पारी में ही अब तक 47 रन लगा चुके थे, लेकिन अब तो जैसे कुलदीप यादव के नाम का तूफान ही मैदान में आने वाला था। आलम यह रहा कि पारी के 44वें ओवर में तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दोस्तों आपको बता दें कि 44वें ओवर की दूसरी गेंद पर पहले तो कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाज शॉन मार्श का विकेट लिया, जिनका कैच विजय शंकर ने बड़ी आसानी से पकड़ लिया था, और फिर अगली गेंद पर कुलदीप यादव ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से हैंड्सकॉम को LBW आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दे, वो भी 0 के स्कोर पर, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी करने की कोशिश तो करी, लेकिन वे अपनी पुरानी फॉर्म में ना लौट सके। परंतु फिर भी आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम को 300 से ऊपर ही रनों का लक्ष्य दिया है, परंतु तीसरे वनडे मुकाबले में गेंदबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस तीसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी का पुराना रूप मैदान में देखने को मिला, और साथ ही धोनी ने मैदान में एक बार फिर से ऐसी फील्डिंग करके सबको दिखा दी कि मैदान में बैठे सभी दर्शकों की सांसें थम गई थी, जिसके साथ ही धोनी ने भारतीय टीम को वह विकेट दिलवा दिया जिसने इस पूरे मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। आपको बता दें कि पूरा वाकया पारी के 42वें ओवर का, जिसे डाल रहे थे भारतीय टीम के स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव और उस समय स्ट्राइक पर खड़े थे ग्लेन मैक्सवेल, जो कि मैदान में आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, और यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि मैक्सवेल भारतीय टीम के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बनाने में पूरी तरीके से कामयाब रहेंगे। परंतु 42वें ओवर की छठी गेंद पर क्या चमत्कार होने वाला, इस बात का आभास अब तक किसी को भी नहीं था, क्योंकि स्ट्राइक पर खड़े थे बल्लेबाज शॉन मार्श और इस ओवर की छठी गेंद को कुलदीप यादव ने बेहद ही स्लो डिलीवरी में तब्दील कर दिया, जिस पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शॉन मार्श ने अपना बल्ला तो घुमा दिया और सीधा एक रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दायरे में खड़े फील्डर रविंद्र जडेजा ने गेंद को दायरे से बाहर ही नहीं जाने दिया और उससे पहले ही महेंद्र सिंह धोनी की तरफ यानी कि स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो कर दिया। जैसे ही रविंद्र जडेजा ने इस थ्रो को महेंद्र सिंह धोनी की तरफ फेंका, तब धोनी ने अपने ही कूल अंदाज में गेंद को बिना अपने हाथ में पकड़े ही सीधा विकेट में देकर मार दिया। दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे वाक्य में रविंद्र जडेजा के इस गोली थ्रो को महेंद्र सिंह धोनी ने केवल अपने हाथों से छूकर दिशा दे दी और उसके बाद तो गेंद जाकर लगी सीधा विकेट में। परंतु और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि ग्लेन मैक्सवेल अब तक केवल आधी पिच तक ही पहुंचे थे और वह रनआउट हो चुके थे। साथ ही जिस चालाकी से महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लेन मैक्सवेल को रनआउट कर दिया था, उसके बाद तो मैदान में बैठे सभी दर्शकों के होश उड़ गए थे। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के इस कूल अंदाज
अंदाज में किए गए रनआउट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।